आरव और वियान के रिश्ते से कथा को हो रही है जलन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कथा की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे प्यारा एक ही इंसान है और वो है आरव। वियान भी धीरे धीरे जगह बना रहे हैं, मगर आरव के आगे कथा को कुछ नहीं दिखता। अब जो कथा को पता चल गया है कि आरव और वियान के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग बनती जा रही है, तो उसके बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का असर वियान और कथा के रिश्ते पे भी पड़ने वाला है। क्योंकि वन साइडेड जो नॉलेज होती है उसमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि दूसरे को पता ही नहीं है कि कथा को गुस्सा क्यों आ रहा है, कथा मेरे से ये बिहेव क्यों कर रही है। इसलिए कहा कि जलन हो रही है, आज की कड़ी में ये साफ साफ नजर आ रहा था। दोस्तों चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कथा का वियान के ऑफिस में काम करना अब कुछ ऐसा हो गया है दोस्तों जैसे कथा ही इस ऑफिस की बॉस है। जब बॉसेस ही कथा के कहने पे चल रहे हैं, कथा का हर डिसीजन सही होता है, तो बॉस तो कथा ही हुई। आज तो पूरी तरह से ये नजर आया और ये बात कथा के लिए और दुश्मन पैदा कर रही है। जैसे कि तेजी दुश्मन है, एसन की मदर दुश्मन है, फरा वो भी दुश्मन है, उसको भी पसंद नहीं है ये सब। और साथ में जो और दुश्मन फैमिली में पैदा हो गए हैं जैसे कि रीत, ये सब इर्द गिर्द कथा के बन रहे हैं दुश्मन। अब जैसे कथा ऑफिस में अपनी पकड़ बना रही है, बना चुकी है, बल्कि कहना सही होगा कि बना चुकी है, वहीं पे अब वियान जो है उसके बेटे आरव पे अपनी पकड़ बना चुका है। अब जो हम देखते हैं इस कड़ी में कि आरव जो है अपनी ज्यादातर समस्याएं वियान से डिस्कस करता है और वियान भी ज्यादातर बातें आरव से करता है। रॉबिन और बैटमैन का रिश्ता जो बना हुआ है, तो ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में सिर्फ कथा जानती है कि कौन है रॉबिन, कौन है बैटमैन, मगर ये दोनों नहीं जानते हैं कि जिसकी बात उन दोनों के बीच में होती है, कॉमन एक लेडी है उन दोनों के बीच में, वो है कथा, आरव की मदर। तो अब जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि स्कूल की बात हो गई, जो इस कड़ी में हमने देखा कि स्कूल की बात हुई है और स्कूल में वियान को जो बताया है अपना आरव ने कि उसको समस्या हुई है, कि उस समस्या को लेके वियान को गुस्सा आ रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे स्कूल में आऊंगा, तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलूंगा, और ये बात कथा को पता नहीं है। कथा ने उसको टेंशन में देखा आरव को घर पे, मगर आरव से खुल के बात नहीं हो पाई। और अब वियान के थ्रू उसको पता चल रहा है कि आरव को स्कूल में टीचर से कुछ प्रेशर है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। जो आरव और कथा के बीच में रिश्ता था जिसमें सब ओपन होता था, अब अपनी प्रॉब्लम सिर्फ कथा से ना बल्कि वियान से भी डिस्कस करनी शुरू कर दी है, तो ये कथा को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ये भी है दोस्तों कि ये प्रॉब्लम जो है आगे जाके अच्छी भी साबित हो सकती है, क्योंकि कथा अभी थोड़ी देर के लिए उसको ये लग रहा है कि मेरा बेटा वियान को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, मगर आगे उसको ये भी समझ में आ सकता है कि यही है जो मेरे बेटे के लिए पिता का रूप धारण कर सकता है, पिता की जगह ले सकता है, फादरहुड जो मिस कर रहा है आरव उसकी जो है पूर्ति ये कर सकता है वियान। मगर फिलहाल ये जेलसी ही दिख रही है। और उधर वियान जो है कथा के और नजदीक जा रहे हैं, कथा को थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि जब उनका सीमा दत्ता से बात हुई है, सीमा दत्ता को तो कुछ याद ही नहीं है, मगर वियान ने अपने दिल की बात सारी कह दी है। चाहे वो सीमा दत्ता, उनके हिसाब से सीमा दत्ता को याद नहीं है, मगर उन्होंने अपना दिल खोल के पूरा रख दिया, तो अपनी तरफ से उन्होंने अपना मन हल्का कर लिया है, वो रोशनी उनको मिल गई है, इसलिए वो थैंक यू भी कहते नजर आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्स इसमें खुल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.